हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से घर पे वैक्सिंग कर सकते हैं। वैक्सिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ वीट रेडी टू यूज़ फुल बॉडी वैक्सिंग किट। इसकी हेल्प से यहाँ पे मैं आपको वैक्सिंग करना बताऊँगी, साथ के साथ आपको इसका पूरा रिव्यू एंड डेमो मिलने वाला है। ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको खरीदना बेनिफिशियल है या नहीं, सब कुछ आगे आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्यूटीज़, वैक्सिंग करने से पहले यहाँ पे मैं आपको वीट रेडी टू यूज़ वैक्सिंग किट का छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। तो ये जो वैक्सिंग किट है ये मैंने खरीदी है नॉर्मल स्किन के लिए, जो कि फुल बॉडी एंड लेग पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्किन के लिए इसीलिए खरीदी है क्योंकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल है। आप जो भी खरीदें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीदें। इसमें आपको 20 प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स मिल जाती है और साथ में आपको 4 परफेक्ट फिनिशिंग वाइप्स मिल जाते हैं। तो ये सब इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसको पढ़ के भी बहुत ही इजीली इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार यूज़ करने से पहले आप इसके सारे इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा एंड यस, एक बार पैच टेस्ट करके भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पीछे की साइड इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है, इसकी क्या प्राइस है, ये सब मेंशन है। तो प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपको 190 रुपये में मिल जाता है, जिसमें कि आपको 20 स्ट्रिप्स मिल रही है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसमें एक्सपायरी डेट भी दी हुई है, जो कि मेरे वाले स्ट्रिप की अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो आप इसको आराम से 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। मानो आप इससे आईब्रोज कर रहे हो तो भी ये काफ़ी सही है, 3 साल तक ये ख़राब नहीं होता है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, कितने वैक्सिंग स्ट्रिप्स मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें 20 वैक्सिंग स्ट्रिप्स है, मतलब 10 है, जब आप उसे अलग अलग करते हैं तो वो ओवरऑल 20 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आप बहुत ही आराम से देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये बॉक्स है जो कि मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाइप्स है, जिससे कि आप जब वैक्सिंग कर लेते हैं उसके बाद अपने बॉडी को अच्छे से पोंछ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है आपकी बॉडी। तो यहाँ पे आपको 4 पैकेट इसके मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से 20 पैड्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपने बॉडी को अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, इसमें से मैंने एक यूज़ किया हुआ है, बाकी यहाँ पे 9 है, मतलब कि 18 जो यहाँ पे वैक्सिंग स्ट्रिप्स है वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ आपको यहाँ पे मैनुअल भी मिल जाता है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं इसको यूज़ करते वक्त, सब कुछ आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब बिना लेट किए जल्दी से हम यहाँ पे वैक्सिंग शुरू करते हैं। तो वैक्स करने से पहले आपको आपके हैंड्स को यहाँ पे, जैसे कि मैं हैंड्स पे आपको डेमो देके दिखा रही हूँ, तो हैंड्स को आपको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है। उस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र ना लगा हो, कोई ऑयल ना लगा हो, अदरवाइज़ जो वैक्सिंग है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है, आपके हेयर ऐसे ही रह जाते हैं हाथों पर। तो मैंने अपने हैंड्स को सोप की हेल्प से या क्लेंजर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी टॉवल से। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है कोई भी टैल्कम पाउडर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये सबके घर में अवेलेबल रहता है, तो इसी को आप यूज़ कीजिएगा। इसको मैं मेरे हैंड्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, ना ही बहुत कम, बिल्कुल सही अमाउंट को आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया है एंड उसे मैंने मेरे हैंड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपको वैक्सिंग स्ट्रिप लेनी है और यूज़ करने से पहले आपको इसे अपने हैंड्स पे कम से कम 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए अच्छी तरीके से रब करना है। जैसे कि आपने देखा मैंने इसे बहुत अच्छे से रब कर लिया है। अब आपको इसे अलग करना है, अलग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंट वैक्सिंग स्ट्रिप्स हो जाती है यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक वैक्सिंग स्ट्रिप को यूज़ करेंगे, तो आपके हेयर जिस साइड पे हो आपको उस तरीके से अप्लाई करना है एंड उसके ऑपोजिट में आपको इस वैक्सिंग स्ट्रिप को रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जिस मेरे हेयर जिस पोर्शन में है मैंने उस हिसाब से रब किया है एंड देन अपोजिट में मैंने उसे खींच लिया है। एंड गाइस बिलीव मी, आप देख सकते हैं इस वैक्सिंग स्ट्रिप को, इसने कितने अच्छे से मेरे हैंड्स के हेयर को रिमूव कर दिया है। आप इस वैक्सिंग स्ट्रिप पे हेयर को देख सकते होंगे,
बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सही है, कम पैसे में काफ़ी अच्छे से वैक्सिंग हो सकती है इससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल एक ही बार में इससे काफ़ी अच्छे से मेरे हेयर को रिमूव कर लिया। इसके बाद मैं सेम वैक्सिंग स्ट्रिप को दोबारा से रीयूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक ही बार यूज़ करें एंड फेंक दें, आप इसे 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर से मैंने वही स्टेप किया है, जिस हिसाब से मैंने इसे रब किया बिल्कुल उसके ऑपोजिट में मैंने इसे रिमूव किया है, ताकि जो हैंड्स के हेयर हैं वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। और ये काफ़ी अच्छे से आपके हेयर को पुल कर देता है, मतलब कि खींच लेता है, और आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने बाकी हैंड्स के हेयर को अच्छी तरीके से रिमूव कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, बिल्कुल मैसी नहीं है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से इन दोनों स्ट्रिप्स को यूज़ कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये जो वाइप्स हमें मिलते हैं यहाँ पे, मैं आपको ये वाइप्स भी दिखा देती हूँ किस हिसाब से आपको मिलता है। आप इसको ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते, ये ठीक ठाक ही है, बट हाँ आप पूरे हैंड्स को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर पाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसकी हेल्प से मैं मेरे हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसमें एक तरीके का ऑयल होता है जो कि आपके हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर देता है और आपके हैंड्स को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। तो इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं यूज़ कर लूँगी ताकि आप इसका भी रिज़ल्ट देख सकें। तो जब मैंने इसे यूज़ कर लिया तो गाइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसने मेरे हैंड्स के हेयर को रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप घर पे ही काफ़ी इजीली वैक्सिंग कर सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से ये जो पैक है ये वर्थ ऑफ मनी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई होप ब्यूटीज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब आप घर पे काफ़ी इजीली वैक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।